रूट कैनाल या आरसीटी एक कॉमन डेंटल ट्रीटमेंट प्रोसीजर है और हो सकता है कि आपके डेंटिस्ट ने आपको ये सजेस्ट किया हो। आरसीटी तब सजेस्ट की जाती है तब आपको किसी दांत के अंदर पेन होता हो या ठंडा गर्म लगता हो या आपका दांत टूट गया हो या आपके दांत के बीच में खाना फंसता हो, कुछ ऐसे सिनेरियोस के अंदर आपका डॉक्टर आपको आरसीटी सजेस्ट करता है। लेकिन जैसे ही उसने आपको आरसीटी सजेस्ट करी आपके डॉक्टर ने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आखिर आपका खर्चा कितना होगा। हाय, मैं गणपति डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रोहित शर्मा, और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आरसीटी जो ये प्रोसीजर है इसके अंदर आपका कितना खर्चा आएगा। इंडिया के अंदर आरसीटी की कॉस्ट काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेगी आपको। हो सकता है कि एक क्लिनिक के ऊपर आरसीटी की जो कॉस्ट है वो 1000 रुपये है और हो सकता है दूसरे क्लिनिक के ऊपर आरसीटी की कॉस्ट 10,000 रुपीज़ हो। तो क्या जो ये 1000 रुपये में आरसीटी करी जा रही है तो क्या ये ख़राब है, आपको नहीं करानी चाहिए, या आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही 10,000 रुपये की आरसीटी कराने के लिए, आपको क्या सिर्फ वही आरसीटी करानी चाहिए? तो ऐसा क्यों है, इतनी वेरिएशन क्यों देखने को मिलती है और हमारे क्लिनिक के ऊपर कितनी एवरेज कॉस्ट आती है, ये वीडियो इसी बात के ऊपर है। जो आरसीटी के चार्जेस हैं मेनली तीन चीज़ों के ऊपर निर्भर करते हैं। जो डेंटिस्ट लोग हैं या मैं हूँ, मैं इन तीन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने आरसीटी के चार्जेस डिसाइड करता हूँ। पहला है टेक्निक एंड मटेरियल यूज्ड, सेकंड है एजुकेशन ऑफ डेंटिस्ट, एंड थर्ड है क्लिनिक की लोकेशन और उसका साइज। पहले बात करते हैं टेक्निक यूज्ड। आरसीटी इंडिया के अंदर तीन तरीके से करी जाती है। पहली है हैंड आरसीटी, यानी पुराने ज़माने के अंदर हम फाइल्स को से आपके दांत की जड़ों को क्लीन करा करते थे और ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर था, काफ़ी सारी सीटिंग्स लगती थी। आप अगर अपने मम्मी डैडी से पूछेंगे तो कुछ ऐसा ही बताएंगे, बहुत सारी सीटिंग्स लगती थी, ऐसा कुछ बताएंगे। ये एक पुरानी टेक्निक है लेकिन स्टिल ये यूज़ करी जाती है क्योंकि ये पुरानी है तो इसलिए सस्ती है। सेकंड है वो है कंप्यूटराइज्ड रोटरी आरसीटी। इसके अंदर जो काम हैंड फाइल से करा करते थे वो अब मशीन करती हैं, कंप्यूटर के अंदर आरवीजी से देख के एपेक्स लोकेटर को यूज़ करके उसी आरसीटी को एक बेहतर बनाया जा सका है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं और आपको सिंगल सीटिंग या मल्टीपल 2-3 सीटिंग्स के अंदर आपका काम खत्म हो जाता है। थर्ड तरीके की आरसीटी होती है वो है माइक्रोस्कोपिक आरसीटी, यानी कुछ डेंटिस्ट, सिर्फ 1% भी ऐसे लोग नहीं हैं डेंटिस्ट जिसके पास माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हों। माइक्रोस्कोप उसी दांत को काफ़ी बड़ा बड़ा दिखाता है। बड़ा दिखाने से क्या फ़ायदा होता है कि वो जो आरसीटी है वो काफ़ी बेहतर ढंग से करी जा सकती है और इस आरसीटी को करने में काफ़ी टाइम लगता है। डॉक्टर जो आरसीटी 30 मिनट्स में करता है वही माइक्रोस्कोपिक आरसीटी 2 घंटे का प्रोसीजर बन जाती है, लेकिन वो आरसीटी बेस्ट होती है दुनिया के अंदर। लेकिन क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है तो इसलिए सबसे ज़्यादा महंगी भी माइक्रोस्कोपिक आरसीटी ही है। सेकंड जो फैक्टर आता है कॉस्ट को डिसाइड करने के अंदर वो आता है एजुकेशन ऑफ अ डेंटिस्ट। हमारे देश के अंदर बहुत सारे अनक्वालिफाइड डेंटिस्ट भी हैं जिनके पास BDS की डिग्री नहीं है और वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उनकी क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं है तो उनकी जो RCT है वो सस्ती होगी। सेकंड आते हैं जिनके पास डिग्री है BDS डिग्री, यानी वो सिर्फ ग्रेजुएट हैं, मेरे और मेरी वाइफ जैसे, हमारे पास सिर्फ BDS डिग्री है, हम भी RCT करते हैं और हमारी जो कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट मिलेगी आपको देखने के लिए। थर्ड जो एजुकेशन आती है वो आती है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, MDS जिसे कहते हैं, और इसके अंदर जो स्पेशलिस्ट है RCT का उसको कहते हैं एंडोडोंटिस्ट। अगर कोई RCT एंडोडोंटिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो महंगी होगी, उसने RCT को अच्छे से सीखने के लिए अनदर 3 ईयर्स लगाए हैं अपनी लाइफ के। एंड अब हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की RCT कॉस्ट डिसाइड करने के लिए, वो है क्लिनिक की लोकेशन एंड साइज। अगर कोई क्लिनिक शहर के अंदर है तो ऑब्वियसली महंगा होगा, वो पॉश एरिए के अंदर है तो महंगा होगा, और कोई क्लिनिक अगर गाँव में है, टाउन में है, छोटी टाउन के अंदर है तो वो सस्ता होगा। सेकंड जो फैक्टर आता है उसका साइज़ का, यानी अगर कोई डेंटल क्लिनिक के अंदर 7-8 डेंटल चेयर लगी हुई है तो ऑब्वियसली महंगा होगा, और अगर उसके पास एक सिंगल डेंटल चेयर है, उसके पास उसने इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ नहीं करा रखी तो सस्ता होगा। तो दोस्तों इतने सारे फैक्टर्स मिल के फिर उसके बाद एक RCT की कॉस्ट डिसाइड करी जाती है। हर क्लिनिक का तो मैं RCT की कॉस्ट आपको नहीं बता सकता, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने क्लिनिक की एवरेज कॉस्ट बता देता हूँ। हमारे क्लिनिक के ऊपर एक कंप्यूटराइज्ड रोटरी RCT करी जाती है जिसकी कॉस्ट 2000 से 3000 रुपये तक के बीच में वेरी कर सकती है।
एंड आरसीटी के बाद प्रोसेस यहीं स्टॉप नहीं हो जाता है, आरसीटी से बहुत बार दांत वीक हो जाता है और हम लोग आपको कैपिंग भी एडवाइस करते हैं। जो ये क्राउन होता है, कैप होती है, काफ़ी सारे तरीके की आ सकती है और इसकी एक सेपरेट वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको छोड़ दूंगा। हमारे क्लिनिक पे कैपिंग की कुछ कॉस्ट इस तरीके से हैं, अगर आप PFM कैप लगवाएंगे तो वो 2 से 3 हज़ार रुपये के बीच में वैरी करेगी, अगर आप जिरकोनिया कैप लगवा रहे हैं तो वो 5 से 6 हज़ार के बीच में वैरी करेंगे, और अगर आप ईमैक्स कैप लगवा रहे हैं तो वो 6 से 7 हज़ार के बीच में वैरी करेगी। इनके इन सारे कैप्स के कुछ अपने एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज हैं, उसके लिए आप पुरानी वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप RCT कराते हैं हमारे क्लिनिक पर तो एवरेजली आपके 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच में काम बन जाएगा, और अगर आप थोड़ी सी कैप महंगी करते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोस, एंड हमें कमेंट बॉक्स पर ये बताना ना भूलिए कि हम नेक्स्ट अपनी वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाएं।